बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। असम राइफल्स के सैनिक जवान शहीद शशिकांत मिश्रा के विगत दिनों शहीद हो गए थे, जिनके परिजनों से रालोसपा के चेनारी विधायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनके गांव पर जाकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें शोक संवेदना भी व्यक्त किए। रालोसपा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मांग किया कि परिजनों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के साथ ही अन्य मुआवजे की राशि यथाशीघ्र भुगतान किया जाए। आनंद जी, सभी लोग, जितने लोग हैं, राजीव रंजन टटोल, विष्णु मिश्रा जी, बद्रेश जी, सभी लोग हम लोग गए थे। शशिकांत मिश्रा जी, जिनका 3-2 को अचानक गोली लगने से असम राइफल में सेना में थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनकी शहादत हो गई। उनके परिजनों से मिलने में गया था और मिलके सबसे दुखद पक्ष यह है कि उधर घटना घटी है, उनके एक और भाई उसी में है, असम राइफल में, लक्ष्मीकांत मिश्रा जी, और उनका एक भाई है विजयकांत मिश्रा। कल वारा आ रहे थे, परसों दोनों भाइयों का एक्सीडेंट भी हो गया है। उन्हें कहिए कि घर पर पहाड़ पड़ा है। बड़ा दुर्भाग्य लगा कि एक भाई की सदर शहादत, दूसरी तरफ दो भाइयों का वो भी सेना में, लक्ष्मीकांत मिश्र जी भी उसी असम राइफल में ही सेना के जवान हैं। और हम इन्हें शोकाकुल परिवार से, मैं भगवान ईश्वर उनको बल दे कि उनके आत्मा और साहस पराक्रम दे उनके अंदर, कि ताकि शहीद भाई के साथ साथ पूरे परिवार पर जो संकट आया है उस संकट से उबारे ईश्वर। दुर्भाग्य इस बात की है कि हम लोग की सरकार है, लेकिन कोई तक सरकारी तौर से जिला कलेक्टर अभी तक उनके यहाँ नहीं पहुँचे। राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र के मातृभूमि के रक्षा वाले सैनिकों के शहादत के बावजूद भी जिला कलेक्टर आरा नहीं पहुँचे, न उनके मृतक परिवार से किसी की मुलाकात हुई, कोई वरीय पदाधिकारी से, न सरकार के महकमे के कोई लोग आए। हम आग्रह भी करना चाहते हैं कि जिला कलेक्टर को जाकर संज्ञान लेना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित तौर से उनको जो मुआवजे वगैरह जो मिलते हैं मिलेंगे, लेकिन बिहार सरकार को भी ऐसे जो सेना के जवान हैं उनको कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि जैसे छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों में मिलता है। और आप कहें कि हमारी सरकार है, तो निश्चित तौर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा, जरूरत पड़ेगा तो मैं सदन में भी इनके सवाल को, इनके शहादत जो है शशिकांत मिश्रा है, सदन में भी ये हम उठाने का प्रयास करेंगे कि इनको मुआवजा मिले, इनकी पत्नी को नौकरी मिले, इनके 3 बच्चे हैं, 1 9th में, 1 10th में और 1 7वें 8वें क्लास में बच्चा, 3 बेटा है। तो जो विधवा है शहीद की, उसको सरकारी नौकरी मिले, सरकार को देनी चाहिए। भारत सरकार की बात तो अलग बात है, लेकिन बिहार का लाल था, उसने अपनी शहादत दी है। और यहाँ जो प्रभारी होंगे, मैं उनसे भी बात करूँगा, इस जिले के सरकार के जो प्रभारी हैं मंत्री, उनसे भी आग्रह करें कि गाँव में और जाके देखें, शहीद नौजवान के मृतक परिवार से मिले। और कलेक्टर से मैं खासकर कहूँगा कि आप जितना यथाशीघ्र जाएं कि जो देश के रक्षक है, जो देश के मातृभूमि की रक्षा करता है, उसकी शहादत हुई है, उसके उसके सवाल पर अगर कोई नहीं जा, तो ये उचित बात नहीं है। और इस काम को करना चाहिए जिला कलेक्टर को, बाखूबी और मुआवजा के लिए सरकार को अनुशंसा भी करना चाहिए, उसके मृतक परिवार की पत्नी को, बच्चे को पढ़ने का, क्योंकि राष्ट्र के रक्षा के सवाल को उसने, मातृभूमि की रक्षा के सवाल को उसकी शहादत हुई। कोई आम आदमी नहीं है, सेना का जवान है। इसी संदर्भ में हम लोग आज आए थे और अभी मिल के गए हैं। मैंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा और सदन में भी 26 तारीख के सदन है,
सदन में भी ये सवाल को मैं प्रयास करूंगा कि शून्यकाल में जीरो और में उठाऊँ मस्ट उठेगा शशिकांत मिश्रा जी का शहादत का सवाल। यही संदर्भ में मैं धरौली गया था। क्या लगता है बिहार में सैनिकों को उपेक्षा किया जा रहा है? देखिए उपेक्षा की बात तो नहीं की जा सकती है क्योंकि उपेक्षा नीतीश कुमार के राज में उपेक्षा की बात नहीं की जा सकती सुशील कुमार ने फिर भी तो हुआ है तो यहाँ लेकिन अब यहाँ के नीचे के वरीय पदाधिकारी मुख्यमंत्री जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री सब जगह जाए लेकिन जो नीचे के जिला कलेक्टर हैं इन्हें जाना चाहिए और प्रभारी मंत्री इनको जाना चाहिए। मुख्यमंत्री तो इतना व्यस्तम आदमी है हमेशा कोई ना कैजुअलिटी होता है कई जगह संभव नहीं है मुख्यमंत्री को जाना लेकिन मुख्यमंत्री के अगुवाई में बिहार में उपेक्षाएं कभी इस तरह की बात नहीं हुई है इसलिए नीतीश कुमार जी इस तरह के आरोप के घेरे में नहीं आते हैं कि उपेक्षा करते हैं। राष्ट्र के सवाल पर बिहार के विकास के सवाल पर सुशील मोदी नीतीश कुमार बहुत संवेदनशील हैं इसलिए उनकी बात नहीं कहें लेकिन जिला कलेक्टर को मैं जरूर कहूँगा कि जिला कलेक्टर को संज्ञान लेना चाहिए ये संज्ञान लिए नहीं है तो ये गलत बात है। अब क्या कीजिएगा? हमने कहा आपको कि मैं सीएम से बात करूँगा और मैं सदन में शशिकांत मिश्रा का शून्यकाल में इस सवाल को उठाऊंगा इनके मुँह। अगर उपेक्षा किया गया तो आपकी सरकार क्या करेगी? ये तो अगली बात है उपेक्षा करेगी तब हम पूछेंगे अभी उपेक्षा की बात कहाँ हो रही है। मैं उपेक्षा करती ही तो मैं क्यों आता मैं तो स्वयं आया हूँ देखने के लिए मैं सरकार का हिस्सा हूँ देखे हैं मैं विधायक दल का नेता हूँ तो ऐसा क्या बात है फेडरल हुआ है कलेक्टर एसपी सब गए थे लेकिन मुआवजा के सवाल पर अन्य और उनकी सुविधाओं के सवाल पर सरकार के जिला कलेक्टर भोजपुर नहीं गए इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि जिला कलेक्टर को जाके संज्ञान लेना चाहिए इनके मृतक परिवार के इस काम में मुआवजा के सवाल पर कार्रवाई आगे बढ़ाना चाहिए ये मैं बात कर रहा हूँ। उपेक्षा की बात घर में क्यों आता है? अभी उनके घर में दोहरा कांड हो गया है एक्सीडेंट हो गया उनके घर में निश्चित तौर से मैं तो कहा कि लक्ष्मीकांत जो राइफल असम राइफल में है वो भी आए थे डेड बॉडी लेके उनका भी एक्सीडेंट हो उनके छोटे भाई विजय कांत मिश्र भी थे दोनों भाई आ रहे थे गाड़ी ने बाहर ये बात तो हम आपको बता ही रहे हैं कि मैं स्वयं गया था तो मृतक परिवार से संवेदना नहीं होती तो मैं मिलने क्यों जाता कितना मुआवजा की मांग करना चाहते हैं मैंने मैं तो बोला आपको आप ध्यान नहीं दिए क्या मैंने कहा कि 25 लाख रुपया भारत सरकार जो देती है अलग बात है मैं बिहार सरकार से 25 लाख रुपये का मुआवजा की मांग करूँ।